वेलकम बैक। आज दूसरा दिन है ऑटवा में, घूमने फिरने जा रहे हैं, प्रॉबेबली मॉल ही जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये थोड़ी सी मेरी आउटफिट और ज्वेलरी की डिटेल्स। फाइनली तैयार होके निकल गए और बच्चा पार्टी हमने गाड़ियों में घुसा दी है और सेटल कर दिए हैं बच्चे सब कार सीट्स में। और इजान फ़िलहाल तो सो रहा है, बट लेट्स सी कि वो मॉल जाके उठ जाता है या सोया रहता है। नाश्ता तो मैंने कर लिया था, पर ख़ुद तैयार होने के चक्कर में और इजान को सुलाने के चक्कर में कॉफ़ी मैंने नहीं ली। तो सबसे पहले हमने कॉफ़ी ली, फिर उसके बाद हम पहुँचे बेशोर मॉल। जैसे ही इजान को पता चला कि चिल्ड्रंस प्लेस आया तो फ़ौरन उठ के बैठ गया। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो इजान के चीज़ स्टिक्स और कुछ स्नैक्स, फ्रूट पाउचेस वगैरह साथ रख लेती हूँ। इससे ये ऑक्यूपाइड रहता है और मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता। और ख़ुद मैंने खाया पोलेर रूट से ये चिकन ग्रिल मिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा यम था। अगले दिन हम ये हल्दीराम का भेलपूरी मिक्स लेकर आए थे, जिसे हम आज बनाने वाले हैं। ये बहुत यम बनता है। इसमें हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लीमू डालेंगे और इसके साथ जो चटनी आती है वो बहुत ही चटपटी और अच्छी होती है। आज के व्लॉग में मोस्टली खाना पीना है, क्योंकि सिर्फ हम यही कर रहे हैं आजकल। एटलीस्ट कोई 7 मील्स खा रही हूँ मैं, और जब मैंने घर जाना है तो मेरा वेट कोई 2 से 4 kg बढ़ा ही होगा। सब बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे तो हमने सोचा इनकी बैटरी ड्रेन करें, तो हमने पूल लगा दिया। और इजान के बहुत ज़्यादा रोने और इसरार करने के बाद हमने इसको भी थोड़ा सा पूल में छोड़ ही दिया। और काफ़ी टाइम पूल में गुजारने के बाद बच्चे इतना थक गए कि उनके हालात कुछ इस तरह से थे कि मिनटों तरलों पे आ गए कि किसी तरह हमें कुछ खिला के सुला दें। मीनवाइल खाना अभी तैयार हो रहा है, यखनी पुलाव बन रहा है और इसको चावल डालकर दम पर रख दिया है। और चावल जो है फटाफट से तैयार होंगे, हम सब डिनर करेंगे और सोने वाले बनेंगे। एंड एज आई मेंशन कि हमारे व्लॉग में सिर्फ खाना ही खाना है, तो ये रही हमारे अगले दिन दोपहर के नाश्ते प्लस खाने की टेबल, जिसके बाद हम लोग निकले अपने घर को वापस। और इस दफ़ा हाईवे से नहीं गए, बहुत ही एक सीनिक रूट लिया जो छोटा भी था और ख़ूबसूरत भी बहुत था। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा रास्ता तो इजान सोया रहा, लेकिन जब उठा तो रोने लगा और फिर मुझे आगे से पीछे आना पड़ा। सारे टॉयज छोड़ के मेरी चीज़ों के साथ खेलने का इजान को अलहदा से ही मज़ा आता है, और अब इसको बाबा की अटेंशन चाहिए जो ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थोड़ा रुक गए, इजान को भी कार सीट में से बाहर निकाला, थोड़ा सा स्ट्रेच किया और फिर वापस चले। मिसेस आगा पहुँचते पहुँचते हमें कोई रात के 10 बज गए, और हम ये एक हलाल रेस्टोरेंट आए थे जहाँ से हमने बहुत अच्छा पिज्ज़ा खाया था, जिसकी फ़ोटोज़ लेनी मुझे याद नहीं रही, इसलिए आपको ये कुर्सियाँ और टेबल ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये रैंडम सी मेरे पास एक वीडियो थी। बाय बाय।